सोमनाथना कोडीनारना मूळ द्वारका बीच पर सफाई अभियान हाथ धरायू। स्वच्छता ही सेवा अंतर्गत एनजीओ और विद्यार्थियों साफ सफाई करी। एनजीओ और विद्यार्थियों 15 टन जेटलो कचरो एकत्र कर्यो। एक कलाकना बदले दिवस दरमियान विद्यार्थियों सफाई करी। बीच पर कचरो न करवानी विद्यार्थियों अपील करी हती। खास करीने प्लास्टिक नो कचरो न राखवा पण अपील करवामां आवी। मूळ द्वारका बीच सफाई माटे आव्या छीए। मुख्य उद्देश्य छे कि गणपति विसर्जन पछी खूब मोटी मात्रा में प्लास्टिक नो कचरो कपड़ा नो कचरो के जे पानी नी अंदर प्रकृति नी अंदर मिक्स थई जातो नथी, हजारो वर्षो सुधी जमीन उपर रहे छे, एवा कचराना निकालना उद्देश्य थी अमे आव्या छीए। अने आज थी थोड़ा वर्ष पहेला एक वार बीच उपर फरवा माटे आव्यो हतो, पण फरवाने कारणे जे मन आनंदित थवुं जोईए बीच उपर आवाने कारणे बदले मन व्यथित थई गयुं। जे कचरो जोयो त्यारथी नक्की कर्युं के आ बीच दर वर्षे गणपति विसर्जन पछी साफ करवो जोईए। अने जे पण जग्याए गणपति विसर्जन थतुं होय समग्र देश में समग्र दुनिया ना लोगों ने अपील करी। आज हमने समुद्र के तट से बहुत सारा पॉलीथीन और जो अनडिग्रेडेबल कचरा है उसको इकट्ठा किया। इसके 3 ट्रैक्टर भरकर पहले से ले जाए जा चुके हैं और यहाँ बहुत सारे बच्चों की मदद से जो है ये इकट्ठे भर के जो है कचरा इकट्ठा किया गया। हम लोगों से अपील करते हैं कि किसी भी तरह का ऐसा कचरा जो कि अपघटित नहीं होता हो उसको समुद्र में न डालें। इससे हमारी जैव विविधता और प्रकृति को बहुत बड़ा खतरा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये बहुत ही गंभीर समस्या है। तो प्रधानमंत्री की इस पहल का बहुत हम स्वागत करते हैं। द्वारका बीच ऊपर धरवा मायु छे अने आ अभियान नी अंदर आश्रे अमे 15-20 टन जेटलो कचरो एकठो कर्यो छे। गणेश विसर्जन बाद जे आ कचरो एकठो थाय छे जेनी अंदर खास करीने प्लास्टर ऑफ पेरिस नी मूर्तिओ अने एनी उपर चढ़ावामां आवता जे हार अने ચૂંદડીઓ છે એ પુષ્કળ માત્રામાં અમને ઢગલામાં મળી છે અને એ બધો કચરો અમે એકઠો કરી અને આ બીચની સફાઈ કરી છે। અને આ કાર્યક્રમ અમે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી કરીએ છીએ। દર વર્ષે આમ તો સપ્ટેમ્બર મહિનામાં 17 તારીખની આજુબાજુ આ જે કોસ્ટલ ક્લીનઅપ ડે ઉજવાય છે।